कैदी नंबर 447 से मुलाकात का दिन। नवाज शरीफ की तबीयत खराब, आज किसी से भी मुलाकात नहीं करेंगे। हमें और पूरी कौम को नवाज शरीफ की जरूरत है। दुआ है कि वो जल्द सेहतयाब हों और अल्लाह उनकी लंबी उम्र करे। तमाम लोगों की दुआओं और मोहब्बत का शुक्रिया अदा करती हूँ। मरियम नवाज का ट्वीट। पहले मरियम नवाज, बाद में शहबाज गिल, ट्विटर पर आमने सामने। कल तक तो आप कह रही थी कि किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा, अब मुलाकात का दिन आया तो आप खुद लोगों को मुलाकात से रोक रही हैं। तर्जुमान वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज गिल का जवाबी ट्वीट। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को बेहतरी तिब्बी सहूलतें फराहम कर रहे हैं, इनकी सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं शहबाज गिल। सानिया मॉडल टाउन की तहकीकात में अहम मोड़, जेआईटी की कोर्ट लखपत जेल में नवाज शरीफ से दो घंटे तक पूछगिछ। अवामी तहरीक के लोगों का मॉडल टाउन क्यों बुलाया गया था? ताहिरुल कादरी के वतन वापस आने पर बंदोबस्त किया है, ये बात आपने कही। खान बेग की तब्दीली, मुश्ताक सुखेरा की तैनाती की वजूहात बताएं। बतौर वजीर आजम सानिया मॉडल टाउन की गैर जानिबदार जेआईटी क्यों ना बनाई? कैप्टन रिटायर्ड उस्मान की फौरी खदमात पंजाब के क्यों सुपुर्द की गई? साबिक वजीर आजम से 25 सवाल। शहबाज शरीफ का नाम ईसीएल में डालने के खिलाफ दरखास्त। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान की सरबराही में दो रुकनी बेंच दरखास्त पर समाअत करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने विफाकी हुकूमत और वजारत दाखिला से जवाब तलब कर रखा है। पोती की तीमारदारी, दीगर मसरूफियात के लिए बरतानिया जाना चाहता हूं। अदालत ईसीएल से नाम निकालने का हुक्म दे, शहबाज शरीफ की इस्तदा। सानिया साहिबाल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा। हाईकोर्ट ने जुडिशल कमीशन बनाने के लिए दायर तमाम दरखास्तें खारिज कर दी। हाईकोर्ट के दो रुकनी बेंच ने दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। अदालत ने जुडिशल इंक्वायरी कराने की इस्तदा मंजूर कर ली। नाजायज असासाजात का मामला, हचीमा के केस की समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत ने मजीद गवाहान को बयानात रिकॉर्ड करवाने के लिए तलब कर रखा है। अहचीमा ने फैमिली मेंबरान के नाम बेनामी जायदादें बनाई, नैब का मौकिफ। मैं न मानू, लेडी हेल्थ वर्कर्स की अना बरकरार, मॉल रोड पर धरना चौथे रोज में दाखिल। मुतालिबात का नोटिफिकेशन मिलने तक फैसल चौक से उठने से इनकार। तीसरे रोज धरने में सियासी रंग भी चमकने लगा। समीना खालिद घुरकी की क्यादत में पीपल्स पार्टी के वफ्द की फैसल चौक आमद। हेल्थ वर्कर्स से इजहार यकजहती, समीना खालिद घुरकी ने कहा कि हुकूमत मुतालिबात जुबानी कलामी नहीं अमली तौर पर पूरे करे। लेडी हेल्थ वर्कर्स के साथ खवातीन जैसा ही सुलूक किया जाए। तमाम मुतालिबात मान लिए तो फिर मुजाकरात किस चीज के? हेल्थ वर्कर्स ने उठना है, उठ जाएं, बैठना है, बैठ जाएं। वजीर सेहत का दो टोक मौकिफ, कहा सियासत में जिंदा रहने के लिए लेडी हेल्थ वर्कर्स एहतजाज कर रही हैं। तर्जुमान वजीर आला शहबाज गिल भी मैदान में आ गए। धरने में शरीक दो खवातीन सियासी अजायम रखती हैं, इनके मुखालिफ सियासी पार्टी से ताल्लुकात हैं। मुतालिबात की अदम मंजूरी, पेफ पार्टनर स्कूल का 27 मार्च को तमाम इजला में एहतजाज का ऐलान। ऑल पाकिस्तान स्कूल एसोसिएशन का इजलास, अहम फैसले मतवक्के, नए दाखिलों की इजाजत न मिलने पर धरने की धमकी। शहर में डेंगू के वार जारी, हंजरवाल की 14 साला लबीबा में डेंगू वायरस की तस्दीक। लबीबा जिना अस्पताल में जेर इलाज, डेंगू के कंफर्म मरीजों की तादाद 6 हो गई। चाहमीरा बाजार में नीलम सिनेमा के करीब पेट्रोल की एजेंसी में आग लग गई। आग ने 9 दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया, 3 दुकानें जल गईं। रेस्क्यू टीम ने 1 घंटे की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया, सामान जलकर राख। वज़ीर-ए-आज़म के एक्शन के बाद रिएक्शन, अरकान पंजाब असेंबली की तनख्वाहों में इजाफा नहीं होगा। पंजाब हुकूमत का बड़ा ऐलान, तनख्वाहों में इजाफे के बिल पर अमल दरामद रोकने का फैसला।
रमजान मुबारक से 6 हफ्ते कबल महंगाई धमाका, रिलीफ तो दरकिनार, दाल रोटी के भी लाले पड़ गए। अवाम महंगाई की चक्की में पिसने लगी। अकबरी मंडी स्टॉक होल्डर्स ने अशियाई खुरनोश अज खुद महंगी कर दी। दाल माश में 30 रुपए फी किलो का इजाफा, बेसन 12 रुपए, दाल चना 15 रुपए, दाल मसूर 13 रुपए महंगी। सुर्ख मिर्च, दाल मूंग की कीमतों में 10 रुपए फी किलो इजाफा। होशरबा महंगाई पर आवाम की चीखें निकल गई। जखीरा अंदोजों और नाजायज मुनाफा खोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज क्रैकडाउन का हुक्म। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सूबाई वज़रा से तवील मुलाकात। अवाम को रिलीफ देने और बेहतर तर्ज हुक्मरानी पर मुशावरत। मसनूई महंगाई पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। अशिया जरूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए मियां असलम इकबाल को जिम्मेदारी तफवीज। वजीर आला का कहना है कि अवाम को मसनूई महंगाई पैदा करने वालों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। तनकीद की कोई परवाह नहीं, अवामी खदमात के सफर को आगे बढ़ाएंगे। महंगाई से आवाम को एहसास हो चुका, तब्दीली आ गई है। कारोबार बंद है, मायशा तबाही के दिहाने पर है। हुकूमत इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती पर मुशावरत नहीं कर रही। बर वक्त तैनाती ना हुई तो मामला कमेटी के स्पुर्द किया जाएगा। जब मुश्किल पड़ती है तो हुकूमत को अपोजिशन याद आ जाती है। हुकूमत से नेशनल एक्शन प्लान पर बात ऐवान में होगी। सरदार इयाज सादिक की मीडिया से गुफ्तगू। रिहाई के अरमान आंसुओं में बह गए। काले चश्मे से लाल दुपट्टे तक की स्टोरी का दी एंड। गैर मुल्की मॉडल हसीना ट्रीजा को मंशा स्मगलिंग केस में 8 साल कैद की सजा। सेशन कोर्ट की मुजरिमा को 1,13,000 रुपए जुर्माने की भी सजा। फैसला सुनकर चेक मॉडल ट्रीजा रो पड़ी। अदालत का फैसला हकाई के बरक्स करार दिया। शरीक मुलजिम हफीज शक की बुनियाद पर बरी। कस्टम हुकाम ने मुलजिमा को 8 किलो हीरोइन स्मगल करते हुए गिरफ्तार किया था। क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के बैनर्स उतारने का फड्डा। जिला इंतजामिया और पीएचए में सर्द जंग। पीएचए ने आगाही बैनर्स उतार दिए। क्लीन एंड ग्रीन मुहिम मुतासिर हो रही है। डिप्टी कमिश्नर सालिहा सईद का डीजीपीएचए को शिकवे से भरा खत। डीजीपीएचए फैसल जहूर ने इल्जामात की तरदीद कर दी। कोई बैनर्स या स्टीमर्स नहीं उतारे, तमाम बैनर सड़कों पर मौजूद हैं। डीजी पीएचए को जवाबी मुरासला। पंजाब 1500 अरब रुपए का मकरूज है। हमें फैसला करना है कि मुल्क को टैक्स से चलाना है या कर्ज से। टैक्स सबको अदा करना होगा। साबिक हुकूमतों के कर्जे अदा करने के लिए मुश्किल फैसले करना होंगे। सूबाई वजीर तिजारत मियां असलम इकबाल का ताजिरों से खिताब। ट्रेडर्स अलायंस के वफ्द की भी सूबाई वजीर से मुलाकात। एफबीआर के छापों और दीगर मसाइल से आगाह किया। ऐवान इकबाल में यौम पाकिस्तान की मुनासिबत से यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के ज़ेर एहतमाम तकरीब का इनेकाद। तकरीब में सेनेटर वलीद इकबाल ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तलबा की जानिब से मिली नगमे और यौम पाकिस्तान की मुनासिबत से टैबलोज पेश किए गए, जिसे शुरका ने खूब सराहा।